नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडीदा में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सॉलिड वर्क में अगर हमें किसी को फाइल देनी है तो किस फॉर्मेट में देंगे, और सॉलिड वर्क में टोटल कितने तरह के फॉर्मेट काम करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड वर्क के खुद के जो फॉर्मेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरली तीन तरह के फॉर्मेट हैं जो यूज़ होते हैं। नंबर एक है पार्ट। तो जो पार्ट का फॉर्मेट होता है वो होता है .sld.prt। अगर हमें कोई पार्ट फाइल सेव करनी है तो .sld.prt में ही सेव होती है। उसके बाद जो अगला हिस्सा है ड्राइंग का, तो ड्राइंग जो इसमें सेव होती है वो होती है .sld.drw में ड्राइंग फाइल सेव होती है। उसका जो असेंबली फाइल है वो होती है .sld.asm, असेंबली की फाइल .sld.asm के अंदर में सेव होती है। अब आते हैं कि अगर हमें किसी को फाइल देनी है तो कैसे देंगे और किस फॉर्मेट में देंगे। तो अगर आपको पूरा डाटा देना है उसका कि आपने उसको कैसे बनाया है, अगर पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके जान पहचान में किसी यार दोस्त को देना है तो आप पूरा पार्ट यानी कि .sld.prt में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और अदर कंपनी में देना है तो आपको .sld.prt में नहीं देना होता है, क्योंकि उसमें आपकी पूरी टेक्नोलॉजी यानी कि अपना पूरा ज्ञान उसके अंदर में लगा होता है। तो उस सारी चीज़ों को सेव करने के लिए तीन न्यूट्रल फॉर्मेट होते हैं। न्यूट्रल फॉर्मेट, तो न्यूट्रल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। नंबर एक होता है .igs, या फिर उसको कह सकते हैं .iges। उसके बाद अगला जो होता है वो होता है आपका .step या फिर .stp। उसके अलावा एक और होता है जो होता है .x_t, जिसको हम xt या फिर पारा सॉलिड फाइल भी कहते हैं। पारा सॉलिड फाइल भी इसको बोलते हैं। तो ये तीन न्यूट्रल फॉर्मेट होते हैं 3D के। 3D के न्यूट्रल फॉर्मेट है। अगर हमें कोई 3D मॉडल किसी को देना है तो हम इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। और अगर हमें किसी को ड्राइंग देनी है तो अगर हमें प्रॉपर पूरी ड्राइंग देनी है तो .sld.drw में दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको पार्ट फाइल भी देनी होगी, नहीं तो आपकी जो ड्राइंग फाइल है वो जाके खुलेगी नहीं। इसी तरह से अगर आपको किसी को असेंबली फाइल देनी है तो उसके साथ में आपको पार्ट फाइल, उसके जितने भी पार्ट हैं वो भी साथ में देने होंगे, तभी आपकी असेंबली फाइल खुलेगी। अगर आप इसमें से किसी इसमें भी देते हैं तो सिर्फ एक फाइल से ही काम चल जाएगा, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो पार्ट हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर असेंबली ही देनी है या फिर प्रॉपर ड्राइंग ही देनी है तो उसके साथ में पार्ट ज़रूर जाएगा, बिना पार्ट के वो फाइल ओपन नहीं होगी। अब आते हैं 2D को कैसे किसी को देते हैं। तो 2D के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं PDF। हम 2D को PDF के अंदर में देते हैं लोगों को .pdf। और अगर किसी को AutoCAD की फाइल यानी कि वायर कट या फिर लेज़र मशीन के लिए फॉर्म चाहिए तो वो जाता है आपका, सॉरी 2D नहीं 3D लिखा है, 2D के लिए। तो 2D के लिए हम, अगर किसी को 2D फाइल चाहिए होती है तो उसको हम .pdf में ही सेव करके देते हैं। और इसके अलावा अगर किसी के पास में वायर कट या फिर लेज़र मशीन लगी है और उसको लेज़र के लिए वायर कट के लिए चाहिए तो उसके लिए 2D में जाता है आपका .dxf या फिर .dwg, इस फॉर्मेट में जाती है फाइल। तो अब मैं सारी फाइलें आपको करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करती है। नंबर एक, मेरे पास ये असेंबली है। तो अगर मेरे को असेंबली अगर किसी को देनी है तो मेरे को पूरा का पूरा फोल्डर उसके साथ में देना पड़ेगा, यानी कि इसकी जितनी भी फाइल है ये पार्ट वाली, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी .sld.prt लिखा हुआ सभी फाइलों के लास्ट में, तो ये सारी पार्ट भी देनी पड़ेंगी असेंबली के साथ में, यानी कि एक फोल्डर बना के पूरा फोल्डर ही देना पड़ेगा। और किसी को फोल्डर देना है तो ऐसे ही हम किसी को फोल्डर शेयर नहीं कर पाते हैं, तो फोल्डर को भी हमें जिप करके देना पड़ता है, यानी कि अगर ये फोल्डर मुझे किसी को देना है तो मुझे राइट क्लिक करके इसको जिप बनाना पड़ेगा पहले, या फिर रार बनाना पड़ेगा,
तब हम इस फोल्डर को पूरा किसी को दे पाएंगे। जैसे कि पूरा फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से RAR में कन्वर्ट कर लिया या फिर ऐड टू अचीव में चले गए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम RAR बना सकते हैं या फिर ZIP बना सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। हमने यहाँ से इसको ओके किया, अब ये फाइल ओपन है इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। पहले तो हमें ये फाइल को बंद करना पड़ेगा, तभी इसकी प्रॉपर RAR या ZIP बन सकती है। जो जो फाइल ओपन है उन सब का इसमें से इस फोल्डर के अंदर यानी जिप वाले फोल्डर के अंदर नहीं गया है। इसको खोल के देखते जिप वाले फोल्डर, तो इसमें कोई भी पार्ट या असेंबली नहीं आई होगी। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी आपकी जो पार्ट या असेंबली की फाइल इस फोल्डर के अंदर में नहीं आई है। तो ये जिप फाइल अब हम बंद कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और अगर हमें इसकी जिप बनानी है तो पहले हमें सॉलिड वर्क से इसको पूरा बंद करना पड़ेगा, यहाँ से डोंट सेव। और अब हम इसकी जिप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने पूरा लिया है इसको राइट क्लिक करके, और यहाँ से ऐड टू अचीव में जाके जिप या RAR जो भी बनाना चाहते हैं वो बना करके, तो अब यहाँ पे पूरी की पूरी जिप फाइल आपकी बन जाएगी, इसमें सारे के सारे पार्ट चले जाएंगे। तो लीजिए आपकी ये RAR फाइल बन चुकी है, इसको खोल के देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके सारे के सारे जो पार्ट हैं वो भी इसके अंदर में आ गए हैं। पहले ओपन थे इसलिए पार्ट इसके अंदर में नहीं आ रहे थे। अब यहाँ से बंद करते हैं। अब आते हैं कि अगर हमें किसी को असेंबली भेजनी है पूरे फॉर्मेट के साथ में, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा है कि कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट उसमें ना जाए, जो सिर्फ काम के पार्ट हैं वो ही जाएँ, तो उसके लिए हमें उसको पैक एंड गो करके देना होता है। अब पैक एंड गो करने के लिए हमें जाना होता है यहाँ से फाइल में, और यहाँ पे आपको पैक एंड गो का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा यहाँ पे पैक एंड गो, असेंबली को पैक एंड गो करके भेज सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर पूरा सॉलिड वर्क की फाइल ही देनी है तो सबसे अच्छा ऑप्शन पैक एंड गो ही होता है। इसमें हमने जहाँ पर भी इस फाइल को सेव कराना है तो वहाँ सेव करा सकते हैं फोल्डर के साथ में, या फिर रेडीमेड आपका जिप बना के ही ये दे देगा। तो जिप हमने मान लेते हैं कि हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव कराना है। ओके कर लिया इसे सेव। और इसमें अगर आप चाहते हैं इनका रीनेम कर दें सारे पार्ट्स का, तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सुफिक्स भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये फाइलों के नाम भी और नंबर भी चेंज हो सकते हैं। तो अभी हमने कोई भी नाम या नंबर चेंज नहीं किया है, सीधा पैक एंड गो कर रहे हैं सेव। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा सेव होने में, असेंबली काफ़ी बड़ी है। अब ये फाइल पैक एंड गो की मदद से डेस्कटॉप पे पैक हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फोल्डर आपका आ चुका है, इसमें पूरी की पूरी वो असेंबली है जो अभी हमने पैक एंड गो की थी। तो यहाँ पे सिर्फ आपके जो पार्ट और असेंबली फाइल ही यहाँ पे आएंगी, बाकी कोई भी फाइल इसके अंदर में नहीं आएगी। अब आते हैं कि हमने किसी को अननोन बंदे को या फिर किसी फैक्ट्री में कंपनी में हमने मॉडल या असेंबली को देना है तो वो कैसे देंगे। उसको हमें पूरी असेंबली यानी कि सॉलिड वर्क की फाइल नहीं देनी, और उसके पास सॉलिड वर्क है भी नहीं, और है तो बहुत पुराना वर्जन है, तो उसको कैसे देना है। तो उसको हमें न्यूट्रल 3D फॉर्मेट में ही देना होगा। तो सबसे पहला न्यूट्रल 3D फॉर्मेट हो गया आपका IGS। हम यहाँ से सेव एज टाइप पर जाएंगे और IGS कर सकते हैं। यहाँ पर IGS हो गया, इसको हमने सपोज अभी डेस्कटॉप पर सेव करा लिया पावर प्रेस IGS के नाम से, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगी, ये पूरी असेंबली सेव कर ली। तो ये आपकी IGS फाइल सेव हो चुकी है, इसको मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपकी ये IGS फाइल सेव हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी जो फाइलें हैं उनको भी सेव कर सकते हैं। अगर किसी को IGS नहीं चाहिए, उसको स्टेप फाइल ही चाहिए, तो हम यहाँ से सेव एज टाइप में जाके स्टेप फाइल पर सेव करा सकते हैं। स्टेप फाइल AP 230, जनरली लोग 230 ही मांगते हैं, अगर कोई 214 मांगता है तो उसको AP 214 फाइल भी दे सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक और फॉर्मेट है जो न्यूट्रल फॉर्मेट है, पारा सॉलिड यानी कि X_T। इसमें भी हम लोगों को फाइल सेव करा सकते हैं। इसी तरह से ये असेंबली फाइल है, ऐसी हम सिंगल पार्ट को भी सेव करा सकते हैं। जैसे मैं इसमें से एक सिंगल पार्ट उठा लेता हूँ, जैसे ये रिंग हो गई। अब इस फाइल को मेरे को सेव कराना है, तो यहाँ से सेव एज में जाएंगे, सेव एज कॉपी, यहाँ से हम दे सकते हैं, आपको सेव करा सकते हैं इसको IGS आपका पारा सॉलिड XT
और आपका स्टेप फाइल, इन तीनों में से दे सकते हैं। और हम चाहें तो उसको 3D PDF में भी दे सकते हैं, लेकिन 3D PDF जो है वो फ़ोन पे नहीं खुलती है, वो सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही खुलेगी। अब 3D PDF बनाने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले PDF के ऊपर, तो यहाँ पे आपका PDF आ गया, और यहाँ पे सेव एज 3D PDF का ऑप्शन भी होता है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं सेव। तो ये आपकी फ़ाइल 3D PDF यानी कि PDF में भी 3D सेव किया जा सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को सेव कराते हैं। और लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी ड्राइंग को कैसे सेव करते हैं। जैसे हमारे पास ड्राइंग है, इसको सेव कराने के लिए हमें PDF में ही सेव करते हैं इसको, यहाँ से सेव एज जाएंगे। एक तो हमारी ड्राइंग की खुद जो फाइल है SLDDRW सेव करानी होगी, और उसके साथ में हम इसको एक PDF बना सकते हैं। अगर किसी को देनी है तो हमें PDF देनी होगी, और DRW वो हमारे लिए, अगर उसको एडिट करना होगा तो हम अपने DRW फाइल को ओपन करा के उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर हमें DRW फाइल किसी को देनी है तो उसके साथ में हमने इसका जो पार्ट फाइल है इसको भी साथ में देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी DRW फाइल ओपन नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।